हेलो फ्रेंड फ्रेंड स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम टेक में। फ्रेंड आज एक बार फिर मैं आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया। फ्रेंड आज आपको मैं बताऊंगा कि आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट में स्क्रॉल बार कैसे लगा सकते हैं। फ्रेंड स्क्रॉल बार का मतलब टॉप बार आप अपने ब्लॉग वेबसाइट में कैसे लगा सकते हैं। फ्रेंड स्क्रॉल बार क्या होता है कि जब हम की वेबसाइट में जाते हैं आपने देखा होगा हाइड बार में एक राइट की बनी होती है, मतलब एक तीर का निशान बना होता है छोटा सा। जब हम उसके ऊपर प्रेस करते हैं हम जब वेबसाइट के नीचे चले जाते हैं तो फ्रेंड जब हम उस हाइड में लगे तीर को एरो को जहाँ कह लो एरो को हम दबाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमें ऊपर ले जाता है। जहाँ से हमारी वेबसाइट शुरू होती है तो वो हमें स्टार्टिंग में ले जाता है। वैसे फ्रेंड क्या होता है कि हमें ऊपर नीचे जाने के लिए अपने माउस का जो बटन है उसे प्रेस करना पड़ता है। जब फ्रेंड आप अपनी वेबसाइट में स्क्रॉल बार को आप ऐड कर देंगे, अगर आपको नीचे आप चले गए अगर आपको ऊपर जाना तो फ्रेंड उसके लिए आपको माउस का बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड हाइड बार में दिए गए स्क्रॉल बार को जैसे ही आप प्रेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको ऊपर की वेबसाइट के ऊपर की ओर ले जाएगा। फ्रेंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग विजेट है। आज आपको इस वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि आप अपने ब्लॉगर वेबसाइट में स्क्रॉल बार विजेट कैसे लगा सकते हैं। वैसे आजकल फ्रेंड जो भी टेम्पलेट आ रहे हैं उन सब में स्क्रॉल बार दिया होता, बट फ्रेंड आज भी कुछ टेम्पलेट ऐसे हैं, बहुत कम कह लो आप टेम्पलेट ऐसे हैं जिसमें स्क्रॉल बार की ऑप्शन नहीं मिलती, जिसमें यूजर को सब कुछ मैनुअल ही करना पड़ता है। अगर फ्रेंड आप अपने ब्लॉग वेबसाइट में स्क्रॉल बार लगा लेंगे टॉप बार लगा लेंगे तो फ्रेंड डेफिनेटली आपके विजिट को आपकी वेबसाइट में पहुंचने में या कह लो कि आपकी वेबसाइट आने में बहुत आसानी होगी। आज फ्रेंड इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉग वेबसाइट में स्क्रॉल बार कैसे लगा सकते हैं। फ्रेंड वीडियो शुरू करने पहले जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करो, हाथ में लगे बैल का आइकन दबाकर आर नोटिफिकेशन पर क्लिक करो। अगर आप बैल का आइकन दबाकर आर नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं करेंगे आप मेरे नए अपडेट मिस कर देंगे। मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको फ्रेंड नहीं मिल पाएगी, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फ्रेंड जो आज मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा जहां से आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट के लिए स्क्रॉल बार क्रिएट करेंगे और उसे अपनी ब्लॉग वेबसाइट में अप्लाई करेंगे या कह लो आप उस कोड को अपनी ब्लॉग वेबसाइट में पेस्ट करेंगे वो कौन सी वेबसाइट है, फ्रेंड उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर भी आप उस वेबसाइट के लिंक को कॉपी करेंगे और अपने कंप्यूटर में जहाँ आप जो भी ब्राउजर यूज़ करते हैं उस ब्राउजर में उसे पेस्ट करेंगे, नहीं तो आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं। फ्रेंड वीडियो छोटी ही होगी, आप इसे पूरा जरूर देखना, बीच में आप स्किप या बीच में आप वीडियो को मत काटना नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। अब फ्रेंड चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और बताता हूँ कैसे आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट में स्क्रॉल बार लगा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दूंगा, आप उस लिंक को कॉपी करेंगे और आप जो भी ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं चाहे क्रोम चाहे मोजिला आप उसमें जाकर उस लिंक को आप पेस्ट कर देंगे, नहीं तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। गूगल में आएंगे इन्फो साइट लिखेंगे और इसे सर्च में सर्च करेंगे। फ्रेंड ये जो पहली वेबसाइट है info5.com इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे, नहीं तो जो नीचे फ्रेंड आप वेबसाइट देख रहे हैं 80+ वेबसाइट विजिट टू ग्रो योर बिजनेस info5 ऐप इसके ऊपर आप ये आप क्लिक करते हैं। जैसे ही फ्रेंड आप क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब फ्रेंड जैसे कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अगर आपका पहले ही अकाउंट है तो आप लॉगिन करेंगे, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप फ्री पर क्लिक करके अपना अकाउंट डालेंगे।
फ्रेंड एक बार और, फ्रेंड जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे आप वो वाली ईमेल आईडी इसमें डालना जो आपकी एक्टिव हो। अगर फ्रेंड आपकी एक्टिव ईमेल आईडी नहीं है तो अगर आपने कोई गलत ईमेल आईडी डाल दी या जो आप ईमेल आईडी इस्तेमाल नहीं करते वो डाल ली तो फ्रेंड उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए फ्रेंड अपनी एक्टिव ईमेल आईडी ही डालें जिसे आप अपने अकाउंट को एक्टिव करेंगे। जैसे ही फ्रेंड आप अपनी ईमेल आईडी डाल ओके करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर इनकी तरफ एक कोड आएगा। तो फ्रेंड जैसे ही आप कोड आएगा कोड पर फ्रेंड आप जैसे ही क्लिक करेंगे, कोड कह लो या लिंक कह लो एक बात है, अगर आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही आप लॉगिन करके अपना पासवर्ड डालकर अपना अकाउंट फ्रेंड क्रिएट कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आ जाएगा। फ्रेंड अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, समझ नहीं आती, ये जो फ्रेंड आप हेल्प देख रहे हैं इनकी हेल्प पर क्लिक करके फ्रेंड इन्होंने कुछ क्वेश्चन बताए दिए हुए हैं, नीचे इनके आंसर भी आप जहाँ से इनके क्वेश्चन के आंसर भी पढ़ सकती हैं, नहीं तो फ्रेंड यहाँ पर आप अपना मैसेज टाइप कर भी छोड़ सकती हैं, जैसा ठीक लगे वैसा कर लेना। फ्रेंड मैंने अपनी वेबसाइट ब्लॉग वेबसाइट में जो मैंने करोड़ बार लगाया वो कैसा दिखता आपको मैं उसका आउटपुट कैसा आता है, दिखने में कैसा लगता आपको मैं वो बता देता हूँ। फ्रेंड ये देखिए फ्रेंड आप सबको पता है ये मेरी वेबसाइट जो है ये डेमो वेबसाइट है। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको तो पता ही होगा ये मेरी डेमो वेबसाइट है, इस पर मैं काम नहीं करता। फ्रेंड इस पर मैं कोई भी विजेट लगाता हूँ, कोई भी नया अपडेट, कोई भी विजेट लगाता हूँ या कोई भी चीज़ आपको दिखाने के लिए करता हूँ तो फ्रेंड मैं इसी ब्लॉग वेबसाइट पर ही करता हूँ। इसलिए फ्रेंड मेरे दो तीन मेरे ऑटोमेटिकली डेमो अकाउंट है। फ्रेंड मैं दो तीन डेमो अकाउंट में है, ये जो डेमो अकाउंट है इसका ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। अब फ्रेंड ये जो आप देखिए ये है टॉप मेनू। फ्रेंड इसे क्या होगा कि जब आप नीचे जाएंगे इस पर क्लिक करेंगे ये आपको ऊपर को रिडायरेक्ट करेगा। फ्रेंड आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही क्लिक किया ये आपको ऊपर ले गया। फ्रेंड इसे आपके विजिटर को आप तक पहुंचने में काफ़ी आसानी होगी। वैसे तो फ्रेंड टेम्पलेट में ये जो स्क्रॉल बार आजकल जो टेम्पलेट आ रहे हैं उसमें स्क्रॉल बार ऑटोमेटिकली मिलता ही मिलता है, और फ्रेंड आज भी कुछ टेम्पलेट कम कह लो टेम्पलेट ऐसे हैं जिसमें स्क्रॉल बार की ऑप्शन नहीं मिलती। अगर आपके टेम्पलेट में फ्रेंड स्क्रॉल बार नहीं है, टॉप बार नहीं है, तो फ्रेंड आज आपको मैं इसी वीडियो में बताऊँगा कि आप टॉप बार जहाँ स्क्रॉल बार अपनी ब्लॉग वेबसाइट में कैसे लगा सकते हैं। इससे फ्रेंड आपके विजिटर को आप तक पहुंचने में आसानी होगी, और फ्रेंड इसे क्या होगा कि आपके विजिटर आपकी पोस्ट भी पढ़ेंगे और उन्हें पसंद आते हैं वो आपकी पोस्ट को आगे भी शेयर करेंगे। इसे फ्रेंड आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फ्रेंड ये आपको बहुत बड़ा फ़ायदा भी दे सकता है। अब फ्रेंड मैंने ये जो कोड था मैंने डिलीट कर दिया। फ्रेंड फिर भी आप सोच रहे ये शो क्यों हो रहा, ये शो इसलिए हो रहा कि मैंने रिफ्रेश नहीं किया। फ्रेंड अगर मैं रिफ्रेश करूँगा ये जो आप स्क्रॉल बार देख रही हैं ये डिलीट हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि फ्रेंड मैंने आपको दिखाना था कैसे हम अपने ब्लॉग वेबसाइट में स्क्रॉल बार लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड अब स्क्रॉल बार नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कोड को डिलीट कर दिया। अब कैसे लगाना अब मैं वो बताता हूँ। फ्रेंड जैसे ही आप जहाँ पर लॉगिन करेंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर फ्रेंड मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे विजेट के ऊपर वीडियो बना दिया, वो सारे वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। फ्रेंड कैटेगरी आपकी जो भी कैटेगरी है जिस भी कैटेगरी का विजिट लगाना चाहते हैं उस कैटेगरी सेलेक्ट करें, नहीं तो फ्रेंड जहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं उसका नाम डालकर। अब फ्रेंड हम टॉप बार लगाना चाहते हैं, देखते हैं हमारा टॉप बार कहाँ गया है। फ्रेंड फिर कहता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दे, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड एक बात और, आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करो तभी समझ आएगी, नहीं तो फ्रेंड आपको समझ नहीं आएगी और आप अपना विजेट अपने ब्लॉग में अच्छे से अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए फ्रेंड वीडियो को भी पूरा देखा करें। अब देखते हैं फ्रेंड हमारा कहाँ गया वो टॉप बार। इसमें कितने सारे फ्रेंड आपको विजिट मिल जाते हैं, ये देखिए फ्रेंड बैक टू टॉप। ये जो फ्रेंड पिंटरेस्ट फीड है इसके सामने ये जो आप बैक टू टॉप देख रही हैं इसके नीचे फ्रेंड आ रहा है प्लस क्रिएट विजिट। आप इसके ऊपर फ्रेंड आप क्लिक करेंगे और फ्रेंड इसमें आपको
कितने सारे टैंपलेट जो हमको मिल जाते हैं, आपको जो भी पसंद हो आप लगा सकते हैं। फ्रेंड जो आप जहाँ पर जो भी सेटिंग करेंगे उसका प्रव्यू आप साइड बार में देखते हैं। जैसे देखिए ये रखिए फिर फ्रेंड टू टॉप लिखा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब जैसे नीचे मान लो गए, अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे जी आपको ऊपर ले जाएगा। ये देखिए फ्रेंड ये आपको ऊपर ले गया। आपको जो भी फ्रेंड टैंपलेट पसंद हो आप उसी हिसाब से लगा सकते हैं। फ्रेंड अगर आप ऊपर इसे डिप्रेस करेंगे तो फ्रेंड ये वर्क नहीं करेंगे, नीचे जाएंगे आप दबाएंगे तो फ्रेंड ये आपको ऊपर लेके जाएगा, नीचे ही आपको फ्रेंड ऊपर लेके जाएगा जी, तभी वर्क करेगा। और भी फ्रेंड इसमें आपको कस्टमाइज के कितने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ये देखिए फ्रेंड आपको जो पसंद है वो लगा सकते हैं। फोर्थ फ्रेंड ये ज़्यादातर फ्रेंड वेबसाइट वाले ज़्यादातर जितनी मैंने प्रोफेशनल वेबसाइट देखी हैं उनमें फ्रेंड एक पहले वाला एक जो फोर्थ नंबर वाला जे वाला फ्रेंड ज़्यादातर प्रोफेशनल वेब ब्लॉगर जे वाला स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करते हैं। एक जे वाला जो पहले नंबर वाला एक फोर्थ नंबर वाला। आप चाहे तो फ्रेंड कोई भी इस अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, जो पसंद आप लगा सकते हैं। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ ये फ्रेंड फिफ्थ वाला जो मैंने आपको अभी बताया था, आप इसके ऊपर प्रेस करेंगे जी आपको ऊपर ले जाएगा। फ्रेंड इसमें आपको कितने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप सिक्स्थ वाला भी देख सकते हैं, ये देखिए सेवन्थ वाला भी करो नीचे आओ फिर आप ऊपर जाते हैं, एट नीचे आएंगे तो ऊपर, नाइन्थ ये देखिए, टेंथ नीचे आएंगे तो ऊपर आपको ऊपर ले जाएगा। फ्रेंड आपको जो भी पसंद हो आप वो लगा लेना। फ्रेंड मुझे जो पसंद है वो जे वाला, अब फ्रेंड जे वाला मेरे को पसंद है। आप इसका फ्रेंड प्रव्यू जे जो हाइड बार में आप फ्रेंड ये जो हाइड बार में ऑप्शन देख रहे हैं कि ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे कंप्यूटर में कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है वैसा बता रहे, टैबलेट में कैसा दिखता है वो ऐसा दिखाई देगा। फ्रेंड ये अलग अलग हाइज के हिसाब से आप इसको चेक करते हैं, मोबाइल में कैसे दिखता है ये ऐसा दिखता है। फ्रेंड आप चेक भी कर सकते हैं आपके मोबाइल में कैसा दिखता है, टीवी में कैसे दिखता है, टैबलेट में कैसे दिखता है। फ्रेंड अलग अलग रेजुलेशन होता है, अलग अलग टीवी का, अलग अलग मोबाइल का और अलग अलग कंप्यूटर का साइज होता है, इसलिए फ्रेंड आप जहाँ पर क्लिक करके वो भी देख सकती हैं, इसका प्रव्यू चेक कर सकते हैं कैसा लगता है। अगर फ्रेंड जैसे मान ली मुझे ये पसंद है, आपको जो पसंद हो आप वो सिलेक्ट करें, उसके बाद फ्रेंड कंटिन्यू भी टैंपलेट के ऊपर क्लिक करें। इसमें फ्रेंड सबसे पहले आइकन, अगर आपको ये आइकन नहीं पसंद जो भी पसंद है वो भी लगा सकते हैं। जैसे मुझे ये पसंद है आप देख सकते हैं फ्रेंड जो पसंद हो आपको, बड़ा छोटा ये देखिए जो पसंद हो फ्रेंड आप लगा सकते हैं। अगर आप नई आइकन चाहते हैं नो आइकन पर क्लिक करें। फ्रेंड मुझे ये वाला आइकन पसंद है, मैं ये वाला ले लेता हूँ। अब बैक आ जाएंगे फ्रेंड टेक्स्ट ऑप्शन टू टॉप, फ्रेंड इसका आप नाम बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, नहीं तो आप टू टॉप बार लिख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड बार लिखा तो साथ में बार भी लिखा गया। फ्रेंड आप जहाँ पर जो भी चेंजेस करेंगे उसका फ्रेंड आप प्रव्यू जहाँ पर साइड बार में देख सकते हैं, लिखना चाहे तो लिखते, नहीं तो आप जहाँ से रिमूव भी कर दें। बटन कलर फ्रेंड इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं, आइकन एंड टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, मैं नहीं करूँगा। बॉर्डर फ्रेंड इसका आप बॉर्डर वगैरह देख सकते हैं, बॉर्डर की विड्थ वगैरह अपने हिसाब से दे रखिए, ज़्यादा कम आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहे कर सकते हैं। अनेबल बटन कॉलर, अनेबल बटन बॉर्डर आप ऑन रखना चाहे ऑन कर सकते हैं, नहीं ये फ्रेंड ऑफ भी कर सकते हैं। ये देखिए ये जो हाइड बार में फ्रेंड आप कलर देख रहे हैं बॉटम, इसे बोलते हैं बॉर्डर कलर। आप फ्रेंड अपने हिसाब से जो आपको पसंद है वो कर लेना। आप फ्रेंड नीचे साइज स्मॉल मीडियम लार्ज, अगर आप फ्रेंड इस्तेमाल करेंगे ऐसा मीडियम करेंगे ऐसा लार्ज करेंगे तो आपको बड़ा दिखाई देगा। आप फ्रेंड शेप, शेप कौन सी देना चाहते हैं शेप सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्कल देना चाहते हैं, राउंड देना चाहते हैं, ये देखिए स्क्वायर, ये हाइड बार में फ्रेंड आप इसकी शेप देख सकते हैं चेंज हो रही है। फ्रेंड मैं सर्कल ही रहने दूंगा, सर्कल मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है। आप चाहे तो राउंड भी देख सकते हैं चाहे स्क्वायर भी देख सकते हैं, जो पसंद आप दे देना, फिर मेरे को सर्कल ही पसंद है। अब लेआउट में फ्रेंड क्या है, हॉरिजेंटल आप चाहते हैं, वर्टिकल चाहते हैं, आप किस शेप में चाहते हैं, आप शेप लेआउट उसकी लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं आपकी लेआउट
हॉरिजेंटल में रहे हॉरिजेंटल में रख सकते हैं, वर्टिकल में भी आप इसके फ्रेंड इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं जैसा आपको फ्रेंड लेआउट पसंद हो आप वैसा सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे को हॉरिजेंटल पसंद है, मैं हॉरिजेंटल ही रहने दूंगा। अब फ्रेंड टेक्स्ट फॉन्ट वेट, इस टेक्स्ट का फ्रेंड आप फॉन्ट का जो वेट है उसको चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर नॉर्मल बोल्ड जो आपको पसंद हो वो कर सकते हो। फ्रेंड मैं बॉर्डर बोल्ड ही रहने दूंगा, मेरे को बोल्ड ज़्यादा पसंद है। अब फ्रेंड पोजीशन पर आ जाते हैं, पोजीशन में टाइप में फ्रेंड इसमें आपको दो तरह की पोजीशन मिलती है, फ्लोटिंग इम्बेडेड। अगर इम्बेडेड करेंगे तो फ्रेंड जो बीच में आ जाएगा, अगर आप फ्लोटिंग करेंगे तो जो साइड बार में आ जाएगा। अब फ्रेंड टाइप में तो आप कोई भी सिलेक्ट करें, जब पोजीशन में आएंगे आप कहाँ इसे रखना चाहते हैं, साइड बार में, राइट बार में, लेफ्ट में, सेंटर में, और ऊपर, राइट टॉप में, राइट लेफ्ट में, राइट बॉटम में, लेफ्ट बॉटम में, जैसा आपको पसंद हो वैसा आप रख सकते हैं। जैसा ना जो राइट सेंटर में है, मुझे अगर मैं लेफ्ट सेंटर में करना है लेफ्ट सेंटर कर सकता हूँ, लेफ्ट टॉप में करना चाहता हूँ लेफ्ट टॉप पर कर सकता हूँ, अगर राइट टॉप पर करना चाहूँ राइट टॉप पर कर सकता हूँ, राइट बॉटम पे करना चाहता हूँ राइट बॉटम पे कर सकता हूँ, अगर मुझे टॉप सेंटर में करना है टॉप सेंटर में कर सकता हूँ, बॉटम सेंटर में करना बॉटम सेंटर में कर सकता हूँ। पर फ्रेंड मैं आपसे यही कहूँगा कि आप राइट सेंटर में ही इसे रहने दें, ज़्यादा अच्छा लगता। और फ्रेंड यहीं पर इसकी ऑफसेट आप अपने ऑफसेट इसकी फ्रेंड आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, ज़्यादा कम जितनी चाहे आप कर सकते हैं। और फ्रेंड सेटिंग में फ्रेंड क्या स्क्रोलिंग पोजिशनिंग टू डिस्प्ले, कितनी देर बार फ्रेंड ये जो स्क्रोल है ये दिखाई दे, 0 सेकंड, 1 सेकंड, जितने परसेंट आप करना चाहें ज़्यादा कम कर सकते हैं। स्क्रोलिंग स्पीड फ्रेंड 0.6, 0.7, 0.8 अपने हिसाब से फ्रेंड इसकी स्पीड आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब पेजी फ्रेंड आप चाहते हैं कि स्क्रोल पेजिस कहाँ दिखाई दे, हारे पेजिस में कुछ स्पेशल पेजिस है, जब आप कोई आपने स्पेसिफिक पेज बनाया वहाँ पे दिखाई दे, जहाँ पे आप दिखाई दें जहाँ पे आप दिखाना चाहते हो वैसे सेलेक्ट करें, चाहे आप एक्सक्लूड पेज पर सेलेक्ट करें चाहे आप स्पेसिफिक पेज पर क्लिक करें, जो आपको पसंद हो वो कर सकते हैं। फ्रेंड मैं आपसे यही कहूँगी आप आल पेजिस पर ही रहने दें तो ज़्यादा अच्छा है। डिवाइस में फ्रेंड वही है, आप इसके साथ कोई भी फ्रेंड छेड़खानी मत करें, डेस्कटॉप टैबलेट मोबाइल सब पर फ्रेंड आप टिक के रहने दें, जो सब पर दिखाई देगा। कस्टम सी एस एस फ्रेंड अगर आपने कस्टम सी एस एस आती है तो आप उसका कस्टम सी एस एस कोड को फ्रेंड जहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं, अगर आपने कस्टम सी एस एस का कोई कोड जनरेट किया होगा तो, जब फ्रेंड आप ये सारा काम कर लेंगे तो फ्रेंड आप अप्लाई कर दें, अप्लाई करने के बाद सेव कर दें। फ्रेंड जैसे ही आप सेव करेंगे एक कोड जनरेट होगा तो उस कोड को आप कॉपी करेंगे और आप ब्लॉग वेबसाइट में इसे पेश करें, जे देखो फ्रेंड कोड आ गया इसे कॉपी कर लें। अब आप अपने ब्लॉग में चले गए, ब्लॉग में पेज के नीचे लेआउट है, लेआउट में आप चले जाएं। अब फ्रेंड जहाँ पर भी आप, जैसे मैं पहले बताता हूँ, जहाँ पर भी आप अपना विजेट लगाना चाहते हैं, राइट बार में, लेफ्ट साइड बार में, फुटर में, जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं सेलेक्ट कर ले। जैसे फ्रेंड मैं हाइड बार में लगाना चाहता हूँ राइट साइड बार में, राइट साइड बार में कैसे लगाएगा फ्रेंड, जो जो आप देख रही हैं प्लस का आइकन कार्ड में एड ए गैजेट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, HTML JavaScript पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड हमने जो कोड कॉपी किया था उस कोड को आप जहाँ पर पेस्ट कर दें। फ्रेंड टाइटल में आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सेव कर दें। अब आप फ्रेंड अपने वेबसाइट पर चले जाएं, आप देखें क्या हमारा कोड जो हमारा स्क्रॉल बार है वो शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा, आप देख लें। फ्रेंड अगर आपकी वेबसाइट है, अगर आपने वेबसाइट को हाथ में ओपन किया होगा तो आप उस पेज को रिफ्रेश कर लें। फ्रेंड मैंने पेज क्लोज कर दिया तो मेरा तो शो होने लग पड़ा, मैं आपको दिखाने के लिए कर, फ्रेंड ये देखिए मेरा ये जो स्क्रॉल बार है हाइड बार में शो होने लग पड़ा, ये देखिए। फ्रेंड मैं नीचे गया, मैंने इसके ऊपर प्रेस किया, ये ऑटोमेटिक मेरे को ऊपर ले गया। फ्रेंड इसका आपको सबसे बड़ा फायदा यही है कि फ्रेंड अगर आपको नीचे से ऊपर आना होगा तो फ्रेंड आपको माउस का बटन दबा कर रखना पड़ता है, और फ्रेंड जब आप स्क्रॉल बार का विजेट अपनी वेबसाइट में लगा लेंगे तो फ्रेंड आपको माउस का बटन दबा कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे फ्रेंड आपका माउस
माउस का जो बटन है उसके ख़राब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं जब आप माउस के बटन को दबा कर रखते हैं। तो फ्रेंड मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपकी वेबसाइट में स्क्रॉल बार की ऑप्शन है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फ्रेंड आप अपने ब्लॉग वेबसाइट में स्क्रॉल बार का विजेट जरूर लगाएं, इससे फ्रेंड आपके माउस का बटन ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड आई होप फ्रेंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी ही वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड अगर आप बेल का आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं करेंगे आप मेरे नए वीडियो के अपडेट को मिस कर देंगे। मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, इसलिए फ्रेंड बेल का आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसकी टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दें, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये जो मैंने वेबसाइट बताई है इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वेबसाइट के लिंक को कॉपी करेंगे और अपने ब्राउजर में पेस्ट कर देंगे। फ्रेंड मैं जल्दी ही ऐसी नई वीडियो के साथ आपको फिर मिलने वाला हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फ्रेंड एक बात और, जब जो फ्रेंड मैंने कोड पेश कराया था आपसे वो कोड डिलीट कर देंगे तो फ्रेंड ये जो आपका स्क्रॉल बार है ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट से भी गायब हो जाएगा।